हेलो किड्स, कैसे हो आप सब। हिंदी की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। हमने हमारी कल वीडियो में हमने देखा था कि कैसे बच्चे अपने मामा जी के साथ मेला देखने गए थे और वहाँ पे उन्होंने कैसे झूले वगैरह देखे थे, लेकिन कंजूस मामा के साथ वो मेले को इंजॉय नहीं कर पाए थे। तो चलिए आज हम इस लेसन की एक्टिविटीज़ करेंगे, मतलब क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, पहला आपके हैं शब्दार्थ। शब्दार्थ में जैसे किसी वर्ड शब्द के अर्थ होते हैं, जैसे रोमांच भरा। रोमांच भरा का अर्थ क्या होता है? पुलकित कर देने वाला, मतलब प्रसन्न कर देने वाला, हमें अच्छा जो लगता है ना, हमें खुशी देने वाला। रोमांच भरा होता है, हमें खुशी देने वाला। फिर है जिज्ञासा। जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा, किसी चीज़ को गहराई तक उसको जानने की इच्छा, उसके बारे में बात करने की वो जो होती है ना, वो उसे क्या कहते हैं? जिज्ञासा। फिर है खलनायक। खलनायक क्या होता है? बुरा व्यक्ति, यानी बैडमैन, है ना, जो अच्छा नहीं लगता। खलनायक होता है बुरा व्यक्ति। ठिगना। ठिगने का अर्थ होता है छोटा, मतलब जिसका कद छोटा होता है ना, इसकी हाइट कम होती है, वो होता है ठिगना। बंजर। बंजर होता है जिस पर कुछ उगे नहीं, मतलब जब हम बंजर ज़मीन पर कोई पेड़ पौधे या हम जब फसल बोते हैं ना, तो वो क्या होती है? बंजर ज़मीन पर वो कभी उगती नहीं है। जिस ज़मीन पर ये फसल व खेती नहीं होती है, उसे हम बंजर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? बंजर कहते हैं। फिर है रौद्र। रौद्र मतलब क्रोध भरा, क्रोधित, मतलब गुस्से, गुस्सेल, गुस्से से जो भरा हुआ होता है ना, उसे कहते हैं रौद्र। समर्थन। सहमति, बात मानने वाला। सहमति मतलब साथ, मतलब सहमति मतलब अपने हाँ में हाँ मंगाने वाला या हमारी बात मानने वाला। बेशुमार। बेशुमार मतलब बहुत अधिक, ज़्यादा। उम्मीद। उम्मीद का होता है आशा। उम्मीद का अर्थ होता है आशा। खिन। खिन मतलब दुखी, सैड, है ना। फिर आता है आओ अभ्यास करें हैं, तो आपका है ये मौखिक। मौखिक मतलब इसको आपको ओनली ओरल करना है, आपको इसको अपनी नोटबुक में राइट नहीं करना है, ये सिर्फ ओरल करना है। ओरल में पहले है नज़दीक। नज़दीक मतलब पास। सुनसान। सुनसान का होता है वीरान, मतलब एकदम वीरान। उम्मीद। उम्मीद का भी हमने आप पढ़ा था, वो है आशा, उम्मीद, है ना। रोमांच भरा मतलब प्रश्न करने वाला या पुलकित कर देने वाला। जिज्ञासा जानने की इच्छा रखने वाला, है ना। दो गुने मतलब डबल, जो एक से दो हो उसे बोलते हैं दो गुने। दुकानदार यानी विक्रेता। दुकान पर सामान बेचने वाला क्या होता है? दुकानदार। खुशामद। खुशामद मतलब आओ भगत करना किसी चीज़ के लिए, उनके मनाना। रौद्र। रौद्र मतलब क्रोध भरा, क्रोधित। समर्थन मतलब बात मानने वाला या हमारे समर्थन करने वाला, हमारा साथ देने वाला। फिर है सो समझकर बताइए। आपको ये सारी चीज़ राइट डाउन राइट नहीं करनी अपनी नोटबुक में, सिर्फ ओरल करना है, आपको समझना है मेला सब बच्चों के लिए रोमांच भरा और जिज्ञासा वाला क्यों था। क्योंकि बच्चों ने कभी मेला नाम ही सुना था, वह कभी मेले में घूमने गए ही नहीं थे, इसलिए उनके लिए ये शब्द रोमांच भरा और जिज्ञासा वाला था। फिर है बच्चे मामा जी के साथ मेला देखने क्यों जाना चाहते थे? क्योंकि उन्होंने कभी मेला देखा ही नहीं था, उन्हें मामा जी से जीत की थी कि वह उन्हें मेला दिखाए। बच्चों ने मेले में क्या देखा? बच्चों ने मेले में मतलब जब वह मेले में पहुंचे तो वहाँ तो बहुत सारी भीड़ थी ना, उन्होंने मतलब बहुत ही रंग बिरंगी जो सजी हुई दुकानें थी, झूले थे, है ना, और चटपटी जो खाने की चीज़ों की दुकानें थी, वो उन्होंने वहाँ पर देखी थी। बच्चों ने मेले में क्या देखा? बच्चों ने मेले में सर्कस, करतब दिखाने वाले, है ना, बहुत सारी दुकानें, मतलब चाट के ठेले, झूले, है ना, बहुत मतलब जो रंग बिरंगे जो पोशाकें पहने वहाँ पे, मतलब आदमी औरतें जो थे वहाँ पे, उन्होंने वहाँ पे देखे, है ना। मामा मेले में मामा जी का व्यवहार बच्चों को कैसा लगा? मामा जी को वो मतलब खलनायक जैसे लगे थे ना, वैसे भी उनको वो उनका खिन करने वाला, मतलब दुखी करने वाला, क्योंकि उन्होंने मामा जी ने उनको नहीं तो वहाँ पे उनको झूले झुलाए, नहीं उनको करतब दिखाए, तो उनको खिन करने वाला उनका व्यवहार लगा था ना, गुस्से वाला एकदम। फिर है लिखित, मतलब ये आपको बच्चों आपको अपनी नोटबुक में ये आपको राइट करने हैं ना, राइट करके आपको ग्रुप में इसकी फ़ोटो सेंड करनी, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, तो ठीक है हम इनको करते हैं। पहला है दुकानदार ने सारे खिलौनों के कितने रुपये बताए? अ 130 रुपये, ब 25 रुपये, स 80 रुपये। तो बताओ
इसमें कौन सा राइट होगा? अ राइट होगा, 130 रुपये है ना, क्योंकि फिर मामा जी ने उनको कभी कितने 70 रुपये बोला, 70 में दे दो, 80 में दे दो, लेकिन दुकानदार ने मना कर दिया था। दुकानदार ने उसके कितने 130 रुपये बताए थे। मेला कहाँ लगा था? मैदान में, गांव में या शहर में? मैदान कहाँ लगा था? गांव में। मेला गांव में लगा था। बच्चे मेला देखने किसके साथ गए? बच्चे तो अपने मामा जी के साथ गए थे ना, तो इसमें क्या हो गया? ब राइट हो गया, मामा जी के साथ। ठीक है, यह आपको अपनी नोटबुक में राइट करके मुझे पिक सेंड करनी है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही शब्द से रिक्त स्थान भरिए। मतलब ये जो शब्द दिए हुए हैं ना ऊपर, इनको आपको एक एक करके रिक्त स्थान में जो राइट है ना उसको उसके आगे लिखने हैं। तो पहला है, मामा जी का रूप देखकर हम सभी सहम गए। कौन सा रूप देखकर? तो पहला क्या होगा? रौद्र, इसमें आएगा ये फर्स्ट रौद्र, एक नंबर पर ये आएगा रौद्र रूप देखकर हम सभी सहम गए। मतलब उनका गुस्से वाला रूप देखकर वो सहम गए थे ना। फिर है, पैदल चलने से पैर, मामा जी ने क्या कहा था कि हम मेला देखें पैदल चलेंगे, तो पैदल चलने से पैर और पेट, है ना, पेट, उन्होंने क्या कहा था? पैर और पेट मजबूत होते हैं। उन्होंने दूसरा बताया था पैर और पेट। फिर है, मेला शब्द हमारे लिए रोमांच भरा और जिज्ञासा, मतलब उनके लिए नया था ना ये नाम, कभी देखा ही नहीं होगा, थर्ड नंबर पे। फिर है चौथा, ये जवाब सुनकर मामा जी हमें किसी से कम नज़र नहीं आ रहे थे। किसे? खलनायक से कम नज़र नहीं आ रहे थे, खलनायक जैसे लग रहे थे ना। तो देखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, चारों मैंने यहाँ पे नंबर लगा दिए हैं, आपको उनको नोटबुक में राइट करना है। फिर है इस पर राइट, सही कथन पर राइट तथा गलत कथन पर रॉन्ग का चिन्ह लगाइए। बच्चों ने मेले में खूब मजे किए, मजे तो नहीं किए थे क्योंकि मामा जी ने उनको नहीं तो कर्तव्य दिखाया था और ना ही उन्हें झूले झुलाए थे, तो ये क्या है? गलत, उन्होंने मज़े नहीं किए थे क्योंकि मामा जी ने कहा था कि आपने तो बहुत मज़े कर लिए होंगे, लेकिन बच्चों ने एक दूसरे की तरफ देखते ही रह गए थे। सविता ने मिनी रेल में घूमने की जिद की थी, बताओ। यह है, सविता ने मिनी रेल में घूमने की जिद की थी, तो ये क्या होगा? ये होगा राइट, ये है रॉन्ग, है ना। फिर बच्चे मामा जी के साथ मेला देखने गए थे, बिल्कुल वे मामा जी के साथ ही गए थे ना, ये होगा राइट। गांव में मेला लगा था, राइट, गांव में मेला लगा था। ठीक है, इसमें फर्स्ट जो होगा वो रॉन्ग होगा क्योंकि उन्होंने मज़े नहीं किए थे, क्योंकि मामा जी ने उन्हें मज़े, वो कंजूस मामा जी के साथ गए थे ना, इसलिए बाकी सारे राइट होंगे। ठीक है, फिर है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये आपके फोर क्वेश्चन है, ये आपको नोटबुक में राइट करके मुझे सेंड करने हैं। ठीक है, ये आपके होमवर्क है। मामा जी ने मेले में न जाने का क्या बहाना बनाया था, बताओ। हमने फर्स्ट पढ़ा था ना, मामा जी ने कहा था कि मैं तो बहुत थक गया हूँ, मुझसे तो अब नहीं चला जाएगा, उन्होंने बहाना बनाया था कि वो थक गए हैं। फिर है, मामा जी ने बाहर का खाना खाने के क्या नुकसान बताए थे, मामा जी ने कहा था कि बाहर खाना खाने से, वो बताया था ना उल्टी, दस्त, हैजा वगैरह ऐसे रोग हो जाते हैं और पेट भी खराब हो जाता है। फिर है, खाना खाने के बाद बच्चे कहाँ जाना चाहते थे, तो खाना खाने के बाद बच्चे झूला झूलने जाना चाहते थे। बच्चे खिलौने क्यों नहीं खरीद सके, क्योंकि दुकानदार उस, मतलब मामा जी ने उनको पैसे नहीं, मतलब मामा जी ने उनको खिलौने नहीं दिलाए थे ना, क्योंकि उन मामा जी को ऐसे लग रहा था कि ना दुकानदार उन्हें ठग रहा है, मतलब मामा जी ने उन्हें खिलौने नहीं दिलाए तो वे नहीं ले सके, है ना। फिर है, व्याकरण ज्ञान, मतलब इनमें इनके विलोम शब्द लिखने हैं। विलोम शब्द मतलब अपोजिट वर्ड, मतलब उल्टे लिखना है। जैसे अच्छा, अच्छा का अपोजिट क्या होता है? बुरा, है ना, अच्छा का होगा बुरा। जवाब, जवाब का अपोजिट होगा सवाल, जवाब का क्या होगा? सवाल। अच्छा, बुरा, जवाब, सवाल, सवाल, जवाब, बुरा, अच्छा, मतलब किसी का जो अपोजिट वर्ड, जिसका कोई उल्टा वर्ड हम बोलते हैं उसे हम विलोम शब्द कहते हैं। फिर है, भूख, भूख का क्या होता है? तृप्त, भूख का क्या होता है? तृप्त, मतलब भूख नहीं लगना। नज़दीक, नज़दीक को कहते हैं हम पास कहते हैं ना, तो नज़दीक का अपोजिट क्या होगा? दूर, नज़दीक का होगा दूर। गांव, गांव का होगा शहर, गांव का क्या होगा? शहर। उदास का खुश,
खुश का उदास, उदास का खुश। उदास मतलब जैसे जो उदास रहते हैं ना उसका अपोजिट होगा खुश। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट। पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची शब्द होते हैं जिसके समान अर्थ निकलते हो, एक ही शब्द के समान अर्थ निकलते हो। जैसे ज्ञान, ज्ञान का होता है शिक्षा। ज्ञान को क्या कह सकते हैं? शिक्षा। ज्ञान का मतलब भी नॉलेज और शिक्षा, ठीक है ना। आसमान, आसमान को हम गगन भी कहते हैं, नभ भी कहते हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, नभ भी लिख सकते हो और गगन भी लिख सकते हो। ज्ञान का शिक्षा, आसमान का नभ या गगन। छवि, छवि का छाया मतलब छायाचित्र होता है ना, जिसकी किसी छवि दिखना, छाया छाया, छवि का होगा छाया। जमीन, जमीन का होगा भूमि, भू धरा, मतलब आप जमीन का भूमि कर सकते हो, भू कर सकते हो ना, जमीन भूमि। हेमंत, हेमंत मतलब किसी ऋतु का नाम है ना, तो हम हेमंत का करेंगे बसंत। हेमंत का बसंत और साल का वर्ष। साल का मतलब जो एक साल दो साल, तो एक वर्ष दो वर्ष, तो हम साल का लिखेंगे वर्ष। फिर है हमारा सेवंथ क्वेश्चन, वाक्य बनाइए। तो समझदारी, समझदारी से आपको एक वाक्य बनाना है। आप अपनी तरह से भी कोई वाक्य बना सकते हो और मुझे राइट करके आप मुझे दिखा सकते हो, ठीक है। तो समझदारी, तो समझदारी से हमें मतलब हमें सड़क पर चलते समय समझदारी रखनी चाहिए। समझदारी का वाक्य क्या बनेगा? हमें सड़क पर चलते समय समझदारी रखनी चाहिए। दुकान, सेकेंड है हमारा दुकान। तो हमने मेले में खिलौने की दुकान देखी, है ना। और आप अपनी तरफ से भी कोई लाइन बना सकती हो, आपको सिर्फ एक वर्ड लेके उसकी पूरी लाइन बनानी है। तो हमने मेले में दुकान देखी। फिर है जिज्ञासा। जिज्ञासा मतलब बच्चों को मेला मेला देखने की जिज्ञासा थी, है ना। बच्चों को मतलब किसी देखने की इच्छा होती है ना, तो बच्चों को मेला देखने की जिज्ञासा थी। जिज्ञासा का शब्द क्या बनेगा? आप अपनी तरफ से भी बना सकते हो जिज्ञासा। बच्चों को मेला देखने की जिज्ञासा थी। फिर है फोर्थ हमारा बंजर। अभी मैंने बताया था ना, बंजर किसे कहते हैं, मतलब बंजर जमीन पर खेती नहीं होती, है ना, या फिर बंजर जमीन पर फसलें नहीं उगाई जा सकती, है ना। आप अपनी तरफ से भी कोई लाइन बनाओगे। फिर है, अभी देख रहे हो आप, ये एक सुंदर सा चित्र बना हुआ है ना। ये चित्र में क्या करना है आपको? चित्र में सुंदर रंग भरिए, आपको इसमें सुंदर सुंदर कलर्स करने हैं, ठीक है ना। और फिर आपको मेरे पिक मुझे सेंड ग्रुप में सेंड करनी है ना। जो चीज़ नहीं समझ में आई है बच्चों, तो आप प्लीज़ मुझसे दोबारा पूछना। कोई भी मतलब लेसन से रिलेटेड या आपको कोई क्वेश्चन आंसर जो कुछ नहीं समझ में आया, आप उसे दोबारा पूछिए, ठीक है। ओके बाय बच्चों।